वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। काशी मथुरा के बाद अब उज्जैन की मस्जिद के नीचे शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा की बात कही जा रही है। बता दें कि इतिहास में कई ऐसे मंदिर थे जिसको मुगलों ने तोड़ दिया और अब इन्हीं मंदिरों को दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ही एक मस्जिद को लेकर अब बवाल शुरू हुआ है। संतों का कहना है मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिना नींव वाली मस्जिद को लेकर बड़ा दावा किया गया है। महामंडलेश्वर अतुल शानंद महाराज ने कहा है कि उज्जैन की मस्जिद के नीचे भगवान शिव का मंदिर और गणेश की प्रतिमाएं हैं। महामंडलेश्वर अतुल नशनान महाराज अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के नीचे अति प्राचीन हिंदू प्रतिमाएं हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने की मांग कही है। राजा भोज एक शिव भक्त थे, उन्होंने 1026 में गजनबी को हराया था और उसके भतीजे को युद्ध करके मार गिराया था। उसी समय उन्होंने हमारे उज्जैन में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था जिसे छोटी भोजशाला कहते हैं और एक भोजशाला धार में विराजित है जहां सरस्वती माता का मंदिर है और यहां उज्जैन में उन्होंने शिव मंदिर बनाया था और ऐसे कई मंदिरों का निर्माण भारतवर्ष में उन्होंने किया है। सन 1600 में मुस्लिम मुगल शासकों ने तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था और उसे आज बिना नींव की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन से कि वो हमें हमारा शिव मंदिर राजा भोज के द्वारा निर्मित परमारों के वंशज का निर्मित मंदिर हमें वापस चाहिए। आपको बता दें वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे वीडियोग्राफी के लिए अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की है और ये प्रक्रिया चालू भी है। शुरू में मुस्लिमों ने जाम लगाकर काम को रोक दिया था लेकिन इसके बाद प्रशासन ने अपना डंडा चलाया और सभी काम फिर प्यार से हो गया। इसी तर्ज पर मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे वीडियोग्राफी की मांग की गई है। उधर दिल्ली में भी कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग की गई है। आगरा में ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की गई है क्योंकि वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह और साहित्य होने के दावे हैं। मतलब साफ है अब संतों ने हुंकार भर दी है और जहां जहां भी भगवान की प्रतिमाएं दबी हैं या फिर उनको छुपाया गया है अब उन्हीं सब पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट वीके न्यूज़।